अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहीर और आप देख रहे हैं आर्टिजियन वैली। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज जुम्मे का दिन है और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज जैसे कि आप सबको पता होगा कि जिन्होंने मेरी कल वाली वीडियो देखी है और कल वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लें। और ताकि आपको पता चले कि कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि अच्छा, आप जिन्होंने देखी उनको तो पता होगा मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि आप के एक बम्बू कलम को आप पकड़ कैसे रख सकते हैं, किस तरह ग्रिप बनानी है और किस तरह किस एंगल पे रख के आपने उसको करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जाके देख लें। तो अब हम ना आज अब आपको सिखाने वाले हैं कि अलिफ कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत आसान है अलिफ। अलिफ सबसे इजी लेटर है और सबसे पहला लेटर है अरबी कैलीग्राफिक का। तो अलिफ भी थ्रू नुकात ही हम कवर करेंगे और इसको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ कलम से भी हम करेंगे लिखेंगे और हम आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे लिखना है। तो वीडियो थोड़ी बहुत होगी लंबी, 10-15 मिनट, 10-1 मिनट की होगी। तो देखिएगा, पूरी देखिएगा वीडियो, एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि एक उसको स्ट्रोक कैसे लेना है, उसके ताज कैसे बनाना है। तो आपको मैं सिखाऊंगा हर कलम से कि आपने कैसे बनाना है और कलरफुल इंक से आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अलिफ को बनाना है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें वीडियो आगे बनाने में मोटिवेशन मिले। और जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को ही किया है फॉलो, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ कि मैं अब कौन सी वीडियो बना रहा हूँ। BTS और BTS भी डालता हूँ मैं वहाँ पे वीडियोस की, यूट्यूब वीडियोस के। और वहाँ पे मैं जो शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं कुछ जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता वो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, तो उसको भी जाके फॉलो कर लें। नीचे मैंने नाम दिया हुआ होगा तो जाएँ और नीचे फॉलो करें। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल में जाए बगैर इसको लिखते हैं। तो ये मैं कलम लेता हूँ और तो इसमें से मैं आपको डिप करके दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ तक एंड हो रहा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि अब इसके हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट नुकात का है जितने का ये होना चाहिए था। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल इसमें कोई अब डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल 7 नुकात का है। अब मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ कि आपने ये कैसे लिखना है। तो चलें, अब है मेन चीज़, ये देखें, आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। एक सेकेंड, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इस तरह आपने बनाना है और इसका ताज, तो ये हो चुका है अलिफ, देख सकते हैं। इसको जब एक्स्ट्रा आ जाए तो इसको हम इस तरह उठा सकते हैं। तो ये होता है अलिफ, मैं आपको लगा देता हूँ। ये टिक, ये मैंने बिल्कुल फ्री हैंड बनाया था, ये मैं आपको समझाने के लिए कि ये जो गलत कैसे लिखना है, लोग किस तरह लिखते हैं। और बिल्कुल जो परफेक्ट अलिफ है वो है जी वाला। अब मैं आपको डिफरेंट कलम से भी सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई, ये देखें मैं ले लेता हूँ ये वाली जो साइज़ की कलम होती है, देख सकते हैं। ये वाली कलम, इससे हम लिखते हैं। तो
इससे भी लिख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले इससे भी सेम प्रोसेस है, आपने पहले एक नुकात लगाना है, यहाँ पे पूरा आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको स्केल से इस तरह करना है, इस तरह भी यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी आपने सात नुकात यही लगा लेने, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, यहाँ पे आता है ये और ये। अब यहाँ पे ये, अच्छा तो अब आपने लिखना कैसे है देख सकते हैं। अब आपने लिखना ऐसे है, ये लेना इंक, सेम प्रोसेस, अच्छा तो ये अब आपको छोटी कलम से भी लिखना सिखा दिया। अच्छा तो अब मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक भी बताता हूँ जो कि मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ, तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वो यूज़ करें। तो वो ये है कि जैसे अब आप ये लिख रहे हैं अलिफ, ये इतने के, अब आपने जब कुछ प्रोफेशनल लिखना होगा तब तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत मतलब कि बन जाएगी कि हाँ अंदाज़ा बन जाएगा। लेकिन अगर आप परफेक्ट लिखेंगे ना, परफेक्ट लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस आपने नहीं भूलनी, तो प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब हर टाइम तो आप नुकात लगा कर नहीं सकते, तो एक बार आप कंफर्म करने के लिए कि ये वो सात नुकात का है कि नहीं, जब आप एक बार लिखें सात नुकात का अलिफ, उस पर यहाँ पर रखें, ये जो नोक होती है ना उसकी यहाँ पर रखें और ये यहाँ पर रखें, तो ये देखें ये मेरा लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपको मेरे हर कलम पे मिल जाएगा, ये मैंने यहाँ पे भी लगाया हुआ है। तो ये आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब मैं आपको इस ट्रिक का यूज़ करके दिखाता हूँ, जैसे ये है, अब ये देखें ये है इतने का, तो ये देखें ये, अब मुझे किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब मैं ऐसे लिख लूँगा। तो ये आई होप कि आपको ये समझ आ गई, अगर नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इसका ताज बनाना सिखाता हूँ, ऐसे करता हूँ कि हाफ किसी और से कलर से बना देता हूँ और हाफ किसी और से, जैसे ये अलिफ इतना मज़ा कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देख सकते हैं ताज आपका बड़ी आसानी से बन जाएगा, और जब आप पूरा लिख लिखेंगे तो आपका ताज बिल्कुल इस तरह का नज़र आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको कैलीग्राफी का शौक़ है, और जिन्होंने मैंने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है वो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जाएँ फॉलो करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।